हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है अ ट्रायंगल एबीसी हैज साइड एबी इक्वल्स टू 75 mm, बीसी इक्वल्स टू 60 mm एंड सीए इक्वल्स टू 75 mm। ड्रॉ अ पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट ए बी एंड सी व्हेन साइड बीसी इज हॉरिजॉन्टल। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम ड्रॉ करेंगे और सॉल्यूशन ड्रॉ करने का टेक्निक बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे तो पैराबोला ड्रॉ करने के लिए पैराबोला का बेस और हाइट दिया हुआ नहीं है। बिना बेस और हाइट के आप पैराबोला ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ट्रायंगल दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल यहां पर ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ यहां पर दिया है। ये ट्रायंगल का यूज करके हम पैराबोला का बेस और हाइट पहले फाइंड आउट कर लेंगे। एक बार बेस और हाइट मिल गया तो हम आसानी से फिर हम पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। और जो पैराबोला ड्रॉ करना है वो किस मेथड से ड्रॉ करना है वो मेथड यहां पे मेंशन नहीं है। पैराबोला ड्रॉ करने के लिए जनरली तीन मेथड का यूज होता है। पहला है पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मींस बाय ऑब्लॉन्ग मेथड। दूसरा है पैराबोला बाय टेंजेंट मेथड और तीसरा है पैराबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड। तो यहां पे कोई भी मेथड का नाम लिखा हुआ नहीं है। अब ये आपको कौन से मेथड से ड्रॉ करना है ये चॉइस आपका है, तो चलो वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहां पे ट्रायंगल एबीसी पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। जो ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है, ट्रायंगल के लिए एक यहां पे स्पेशल देखो नीचे में नोट क्या दिया है, यहां पे लिखा है व्हेन साइड बीसी इज हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब जो हमें ट्रायंगल ड्रॉ करना है उसका जो बीसी जो साइड है वो हमें हॉरिजॉन्टल यहां पे ऐसा ड्रॉ करना है और एबी और सीए जो है वो ऐसा इंक्लाइन, इट मींस इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पे ड्रॉ कर लिया है, हम इसको नेमिंग दे देंगे दैट इज बीसी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज साइड बीसी इज हॉरिजॉन्टल। तो ये हमने 60 mm जो बीसी का लेंथ जो दिया था उसका यूज करके हमने ये बीसी बना लिया हॉरिजॉन्टल। और अब हमें यहां पे ट्रायंगल अगर ड्रॉ करना है तो हमें यहां पे कॉम्पास ले लेना है। तो ये हमने कॉम्पास ले लिए और कॉम्पास में 75 mm का लेंथ हमने ले लिए, क्योंकि एबी और सीए दोनों को साइड जो है वो 75 mm है। इसका मतलब यहां से आएगा एबी 75 mm और इधर से सीए वो भी 75 mm। तो ये हमने कंपास में 75 mm का लेंथ ले लिए। कंपास का जो सेंटर है वो बी पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है, और कंपास का सेंटर बी पॉइंट पे रख के यहां पे इस तरह से एक पहले आर्क बना देंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने आर्क बना दिए और अब कंपास का सेंटर जो है वो हम सी पॉइंट पे रखेंगे और उतना ही लेंथ लेके ये आर्क के ऊपर हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों जो है वो यहां पे इंटरसेक्ट हो गए और ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये कहलाएगा पॉइंट ए। तो हमें ट्रायंगल का पॉइंट ए मिल गया और अब ये पॉइंट ए बी और सी से हम ज्वाइन कर लेंगे तो ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने ट्रायंगल एबीसी यहां पे कंप्लीट कर लिया है और अब ये ट्रायंगल का यूज करके हमें यहां पे पैराबोला ड्रॉ करना है। लेकिन जैसा हमने कहा था कि पैराबोला ड्रॉ करने के लिए हमें पैराबोला का बेस और हाइट चाहिए, तो यहां पे जाहिर सी बात है क्वेश्चन में लिखा है कि ड्रॉ अ पैराबोला पासिंग थ्रू पॉइंट एबीसी। इसका मतलब जो पैराबोला है वो यहां पर एबीसी से पास होना चाहिए। इसका मतलब ये यहां से बी से निकलते हुए ए से पास होते हुए सी पे जाएगा इस तरह से, ठीक है, ऐसा पैराबोला ड्रॉ करना है। तो यहां पर हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तो यहां पे हम रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही ऑब्लॉन्ग मेथड का यूज करेंगे, ठीक है। यहां पे टेंजेंट मेथड आप यूज कर नहीं पाओगे। अगर आपको टेंजेंट मेथड यूज करना है तो ऐसे में क्या करना होता है, आपको हाइट को डबल करना होता है। तो यहां पे ऑलरेडी इतना सारा हाइट है, देखो ये जो है ये 75 mm है। इसका मतलब अगर हाइट में अगर चेक करेंगे तो ए से लेके बेस जो है वो लगभग 80 mm के आसपास होगा, इतना सारा हाइट है। तो अगर आप टेंजेंट मेथड का यूज करोगे तो ये हाइट को डबल करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे में अगर आप हाइट को डबल करोगे तो वो आपके ड्राइंग पेज के बाहर भी जा सकता है, तो आप टेंजेंट मेथड गलती से यूज मत करो। हमने आपको इसके पहले टेंजेंट मेथड के टाइम ये बताए थे कि टेंजेंट मेथड आपको यूज कब करना है, अगर पैराबोला की हाइट अगर कम दिए है, अगर हाइट कम है तो फिर आप टेंजेंट मेथड यूज करो, क्योंकि आपको हाइट को उसमें डबल करना पड़ता है तो फिर वो ड्रॉ करने में आसान हो जाता है, अगर हाइट कम है तो। लेकिन यहां पर हाइट काफी सारा है, देखो 75 mm का हाइट है। इतना बड़ा हाइट होने के बाद यहां पे टेंजेंट मेथड नहीं, हम यहां पे रेक्टेंगुलर मेथड यानी ही ऑब्लॉन्ग मेथड यूज करेंगे। तो चलो अगर हमें यहां पे रेक्टेंगुलर मेथड अगर यूज करना है तो रेक्टेंगुलर मेथड यूज कैसे करेंगे, उसके लिए यहां पे हमें एक रेक्टेंगल क्रिएट करना पड़ेगा। जब हम यहां पे रेक्टेंगल क्रिएट कर लेंगे तब जाके हमें पैराबोला का बेस और हाइट मिल जाएगा। तो क्या करो, ये जो बीसी है ये बीसी को एग्जैक्टली पैरेलल, देखो आपको अब पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना है, उसके लिए आप रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज करो। फिलहाल हमारे पास सिर्फ ये एक स्केल है, हम
इससे बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसा बेस जो बीसी है, ये बीसी को ऐसे आपको स्केल को पैरेलल सेट करना है और रोल कराते हुए आपको ए तक ले जाना है और ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। देखो इस तरह से ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एग्जैक्टली पैरेलल टू द बीसी, ठीक है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, यहां पे ए से एक वर्टिकल लाइन पहले आप एक ड्रॉ कर लो, ए से वर्टिकल लाइन दैट इज एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू बीसी। तो उसके लिए काम कर लेते हैं, ये बीसी का हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं, ये सेंटर पे हम यहां पे एक 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे, एक जो है एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो जो कि ट्रायंगल का अल्टीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। आपको इनडायरेक्टली यहां पे ट्रायंगल का अल्टीट्यूड पहले ड्रॉ करना है जो कि ए से पास होगा। देखो ये हमने ट्रायंगल का अल्टीट्यूड यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए हो गया, ये अल्टीट्यूड इसका मतलब ट्रायंगल का हाइट ये रहेगा 80 mm, ये है 75 mm, देखो ये एबी का लेंथ है 75 mm, ठीक है, एसी का लेंथ भी है 75 mm, लेकिन जब आप ये अल्टीट्यूड चेक करोगे तो ये हाइट जो है ये रहेगा जहां तक 80 mm, ये रहेगा 80 mm, ठीक है। ये हमने क्यों ड्रॉ किए, ये इसलिए ड्रॉ किए क्योंकि अब हमें स्केल इसी अल्टीट्यूड को, इसी हाइट को, इसी लाइन को हमें ऐसा पैरेलल सेट करना है, ये स्केल ऐसा इसको पैरेलल सेट करो, रोल कराते हुए बी पॉइंट पे लाओ और बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। ये देखिए बी से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और एग्जैक्टली पैरेलल टू दैट अल्टीट्यूड, ये ऐसा हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए और बिल्कुल ऐसा ही एक वर्टिकल लाइन सी से भी हम ड्रॉ कर लेंगे। इससे क्या होगा, इससे यहां पे एक रेक्टेंगल जो है वो क्रिएट हो जाएगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर मेथड है। तो ये देखिए फाइनली हमने एक रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट कर लिया है और इससे हमें पैराबोला का बेस और हाइट मिल चुका है, ठीक है। यहां पे सबसे पहले एक काम करेंगे, ये पॉइंट्स को हम नेमिंग दे देंगे, इसको हम कहेंगे पी, देन इसको कहेंगे क्यू और ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे पॉइंट आर। अब देखिए यहां पे पी क्यू सी बी इस टाइप का एक रेक्टेंगल यहां पे क्रिएट हो चुका है और अब इसके अंदर हमें कंस्ट्रक्शन करना है और यहां पे पैराबोला ड्रॉ करना है। बेस और हाइट क्या है, तो ये बीसी हो गया पैराबोला का बेस और ये दैट इज पीबी हो गया दैट इज पैराबोला का हाइट, ठीक है। ये हाइट क्या है, तो ये लगभग 80 mm का जहां तक हाइट होगा, आप स्केल से चेक कर लेना, तो इसका जो ये लेंथ है ये लगभग 80 mm होगा ही, ठीक है। और अब हमें यहां पे पैराबोला ड्रॉ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करना है और यहां पे हमें एबीसी से होते हुए पैराबोला ड्रॉ करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें सबसे पहले क्या करना है, तो ये जो बेस का हाफ जो लेंथ है, बेस का हाफ लेंथ क्या है, बीआर, इसको हम पहले डिवाइड करेंगे। लेकिन रूल ये है कि जितने पार्ट में आप ये बीआर को डिवाइड करोगे उतने ही पार्ट में आपको ये हाइट को भी डिवाइड करना होता है। तो चलो ये बीआर को हम डिवाइड करेंगे, टोटल जो बीसी है, टोटल बीसी है दैट इज 60 mm, ठीक है। इसका मतलब इसका हाफ लेंथ है 30 mm, तो बी से लेके आर का लेंथ हो जाएगा 30 mm। तो हम एक काम करेंगे, ये 30 mm अगर है तो हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 30 mm 6 पार्ट में आसानी से डिवाइड हो सकता है, 5 5 mm का एक एक पार्ट आएगा, ठीक है। तो हम यहां पे ऐसा स्केल रख लेंगे और यहां पे ये ऐसा डिवाइड कर लेंगे, कितने पार्ट में, हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स, देखो इस तरह से ये डिवाइड हो चुका है। यहां पे हम इसको नंबरिंग दे देंगे, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, देन ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, देखिए इस तरह से। और अब जाहिर सी बात है हमने ये बी आर को 6 पार्ट में डिवाइड किए, तो ये जो पी बी जो हाइट है इसको भी हमें 6 पार्ट में डिवाइड करना कंपलसरी है। तो इसका लेंथ क्या है, 80 mm, तो 80 mm को आप डायरेक्टली स्केल से 6 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो पॉइंट में आएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक काम करेंगे, यहाँ पे अगर इसको 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो इंक्लाइन, एक 6 cm का एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, 6 cm का इंक्लाइन होना, या तो आप ये साइड से ऐसा इंक्लाइन ड्रॉ करो या तो आप ऐसा इंक्लाइन ड्रॉ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम यहां पे 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए यहां पे एक 6 cm का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ये देखिए ये हमने 6 cm का इंक्लाइन लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसका इंक्लिनेशन एंगल कुछ भी लो, चॉइस आपका है। और अब इसको हम यहां पे 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 6 cm का लाइन है तो 1 1 cm का एक एक पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, देन ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, इस तरह से ये डिवाइड हो चुका है इंक्लाइन लाइन 6 पार्ट में। अब क्या करो, ये जो पार्ट है ये पहले आप बी से ऐसा ज्वाइन कर लो, ठीक है। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये आपको फेंट पेंसिल से करना है, देखो ये हमने, ये फर्स्ट पार्ट हमने ये बी से ज्वाइन कर लिए। अब आपको स्केल जो है वो इस लाइन को एग्जैक्टली पैरेलल सेट करना है और रोल कराते हुए सभी पॉइंट से इस तरह से ऐसी लाइन ड्रॉ करना है। ये ड्रॉ करने के लिए आप मिनी ड्राफ्टर या रोलर स्केल का यूज करो तो काफी अच्छा रहेगा, फिलहाल सिर्फ हम ये एक स्केल से ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि बोर्ड के लिए इतना बड़ा रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर नहीं मिलता है मार्केट में, तो फिर सिर्फ ये हम एक स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए फाइनली जो हाइट है इसको हमने डिवाइड कर लिया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, तो हमने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको भी हम नंबरिंग दे देंगे, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और वो सिक्स, इस तरह से डिवाइड हो चुका है। तो अब फेन पेंसिल और स्केल का यूज करना है आपको, क्या करेंगे, ये ए से ये 1 ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ए से फिर ये 2 ज्वाइन करेंगे, ए से 3 ज्वाइन करो, ए से 4, ए से 5, ये आपको ज्वाइन करना है और ये आपको फेन पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो चलो ये हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने ए से 1, ए से 2, ए से 3, 4, 5 ऐसा ज्वाइन कर लिया है, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बेस के जो पार्ट्स है 1, 2, 3, 4, 5, यहां से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये जो 1 है यहां से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, 2 से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, 3 से, 4 से, 5 से, और ये जो सभी वर्टिकल लाइन जो हमें ड्रॉ करना है, ये जो रेक्टेंगल का ये जो वर्टिकल साइड है वो इसको एग्जैक्टली पैरेलल आना चाहिए, या फिर ऐसा बोलो ये जो अल्टीट्यूड है इसको एग्जैक्टली पैरेलल आना चाहिए। तो चलो ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसा हमने कहा था, हमने 1, 2, 3, 4, 5 सभी से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं। ये प्रॉपरली आया नहीं है क्योंकि ये हमने एक सिंगल स्केल से बनाया है, लेकिन जब आप इसको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट वो आएगा। ठीक है, अब ये करने से क्या होगा, तो ये देखो ये जो 1 का लाइन है, 1 का लाइन, ये A1 का लाइन, ठीक है, A1 और ये 1 का लाइन दोनों यहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। देखो ये फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पॉइंट हमें मिल जाएगा। देन ये A2 का लाइन और ये 2 का लाइन दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो गए, ये दूसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट मिल गया। देन ये A3 का लाइन और ये 3 का लाइन दोनों यहां पे इंटरसेक्ट हो गए, ये तीसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट। देन ये A4 का लाइन और ये 4 का लाइन दोनों यहां पे क्रॉस हो गए, ये एक क्रॉस सेक्शन पॉइंट, और A5 और ये 5 का लाइन यहां पे क्रॉस हो रहा है, ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट। तो ये हमें 1, 2, 3, 4, 5 क्रॉस सेक्शन पॉइंट्स मिल चुके हैं। इनको जब हम ज्वाइन कर लेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड का पैराबोला जो है वो मिल जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में भी अब हमें कंस्ट्रक्शन करना है। ये इतना समझ में आया आपको, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो कंस्ट्रक्शन किया है यही कंस्ट्रक्शन अब आप चाहे तो राइट साइड में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। जो हमने रेड कलर के पेन से बनाया है वो आपको ड्राइंग बुक में फेन पेंसिल से ड्रॉ करना है, ये बात का आप ध्यान रखो, और जो ट्रायंगल है वो आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है, इट मींस ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा फेंट। तो हमने ये साइड का कंस्ट्रक्शन ये साइड में अब हम रिपीट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बस ये पॉइंट्स को उधर शिफ्ट करेंगे। पॉइंट्स को शिफ्ट करना काफी आसान है, उसके लिए आपको रोलर स्केल और आपको फेन पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमने एक स्केल ले लिए और ये जो पॉइंट्स है 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो पैरेलल टू द बेस। ये जो बेस है BC इसको एग्जैक्टली पैरेलल आपको ड्रॉ करना है। देखो आपको पहले ड्रॉ करके बताते हैं, देखो ये जो ऊपर का पॉइंट है यहां से हमने पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए, ये दूसरे पॉइंट से भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर हम कंपास का यूज करके उनके पॉइंट जो है वो हम राइट हैंड साइड में मार्क करेंगे। ये देखिए दूसरा भी हमने ड्रॉ कर लिए, इस तरह से ये रिमेनिंग तीनों से हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट से हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके कंस्ट्रक्शन करने को बता रहे हैं तो आपको इसी तरह से करना है, नहीं तो आप सेम ये जो लेफ्ट साइड में हमने कंस्ट्रक्शन किए थे ऐसा इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करके, ऐसा हमने यहां पर डिवाइड किए थे, देन ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए थे, आप चाहे तो ये भी इधर रिपीट कर सकते हैं। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर जो आपको बता रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, और अब इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिले हैं यही पॉइंट्स अब हमें राइट हैंड साइड में मार्क करना है, उसके लिए आपको कंपास का यूज करना है। तो कंपास में अब क्या करो, देखो ये जो फर्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट ये जो हमने अल्टीट्यूड ड्रॉ किए थे AR, ये AR नाम का जो अल्टीट्यूड है यहां से इधर जितना ये लेफ्ट साइड में है उतना ये कंपास में हम लेंथ ले लेंगे। देखो ये लेफ्ट साइड में जो ये डिस्टेंस है ये हमने कंपास में ले लिए और अब ये जो है आप इसी पॉइंट पे रखो और इतना ही डिस्टेंस आप राइट हैंड साइड में मार्क करो। तो ये देखो राइट हैंड साइड में हमने यहां मार्क कर लिए, बिल्कुल उसी तरह से ये पॉइंट का भी डिस्टेंस हम कंपास में ले लेंगे। ये देखिए जितना ये लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ये हमने कंपास में ले लिए और ये अब हम यहां पे राइट हैंड साइड में मार्क करेंगे। तो ये देखो राइट हैंड साइड में मार्क कर लिए दूसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट। उसी तरह से ये कंपास में तीसरे पॉइंट का लेंथ ले लो और ये तीसरे पॉइंट का लेंथ जो है वो राइट हैंड साइड में यहां पर मार्क करो। तो ये देखो थर्ड पॉइंट ये हमने मार्क कर लिए, तीसरा क्रॉस सेक्शन पॉइंट। उसी तरह से ये रिमेनिंग दोनों क्रॉस सेक्शन, ये दोनों पॉइंट्स को हम यहां पे दोनों पॉइंट्स को भी हम मार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए ये एक पॉइंट और लास्ट में एक पॉइंट बचा है,
तो वो भी हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स को हमने यहां पे मार्क कर लिया है और अब फाइनली अब हम पैराबोला ड्रॉ कर सकते हैं। अब पैराबोला ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करो या तो आप फ्री हैंड ज्वाइन करो, ठीक है, चॉइस आपकी है। वैसे अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करेंगे तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा। अभी इतने बड़े बोर्ड के लिए इतना बड़ा फ्रेंच कर्व तो नहीं आता है, तो हम यहां पर फिलहाल फ्री हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, जो पैराबोला है वो बी से स्टार्ट करना है और ये सभी क्रॉस सेक्शन पॉइंट से होते हुए ये ए से होते हुए ये ऐसा पैराबोला कंप्लीट करना है। तो चलो ये हम यहां फ्री हैंड ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये देखिए सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमने यहां पे एक पैराबोला कर्व ड्रॉ कर लिया है, लेकिन ये बहुत अच्छा पैराबोला नहीं बना है क्योंकि हमने जैसा कहा था ये हमने फ्री हैंड ज्वाइन किया है, इसलिए थोड़ा सा कम ज्यादा यहां पे हुआ है। लेकिन जब आप इसको ड्राइंग बुक में फ्रेंच कर्व का यूज करके ड्रॉ करोगे तो बहुत ही अच्छा और स्मूथ कर्व बनेगा, ठीक है। यहां पर जो पैराबोला के क्रॉस सेक्शन पॉइंट जो हमें मिले थे उसको हमने यहां पर नेमिंग भी दे दिया है, T1, T2, T3, T4 इस तरह से up to T10, ठीक है। तो ये पैराबोला जब आप ड्रॉइंग बुक में ड्रॉ करोगे तो ये पैराबोला जो कर्व है वो आपको डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है, ठीक है। ट्रायंगल जो है वो आपको सेमी डार्क ड्रॉ करना है और जितना भी रिमेनिंग रेड कलर का जो आपको वर्क दिख रहा है वो आपको फेंट पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था उसके अकॉर्डिंग ये पूरा पैराबोला बन चुका है और ये पैराबोला क्वेश्चन में लिखा था पासिंग थ्रू पॉइंट ABC होना चाहिए। तो ये देखिए ABC से पास होते हुए ये पैराबोला हमने तैयार कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी ड्राइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए। ये था पैराबोला बाय रेक्टेंगुलर मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। इसके पहले जो हमने इसके 4 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।